गुड इवनिंग एंड वेरी वेलकम ऑल माय व्यूअर्स। जितने भी जो एस्पिरेंट है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री सेक्टर की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो डिफेंस बोले तो जैसे आर्मी एयरफोर्स नेवी में शामिल होने के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे पैरामिलिट्री में जैसे कि CRPF, CISF, BSF, जैसे अभी अपकमिंग जो एग्ज़ाम है फिलहाल, अभी BSF और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की जो फायरमैन की भर्ती जो है उनका ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो तमाम जितने डिफेंस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जितना भी जो वैकेंसी है, जितना भी पोस्ट है, सबके लिए जो मैं ये जो खास एक टॉपिक जो जनरल नॉलेज का मोस्ट रिपीटेड बहुत सारे एग्जाम में आ चुके हैं, प्रीवियस जितने भी एग्जाम में आ चुके हैं, मैं आगे डिस्कस करूंगा, पॉइंट वाइज डिस्कस करूंगा हर क्वेश्चन का। बिल्कुल एकदम 21 सिलेक्टेड GK क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए मैं तैयार कर रहा हूं। और आपको ये वीडियो अगर ये 21 आप अगर देख लेते हैं, इसको अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो मैं 100% गारंटी के साथ बताता हूँ कि एक या दो क्वेश्चन इसी में से, ये 21 में से एक या दो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन इसमें है जो आपको दो तीन क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। तो ऐसे भी आगे वीडियो में आप लोगों को शेयर करते रहूँगा, थोड़ी सी इंस्पायरेशन आप मुझे करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, या आप लोगों का जो फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका फ्रेंड्स वगैरह है वो सबको, या जो बच्चे हैं आपसे कनेक्टेड जो बच्चे हैं सबको पता लगे, ठीक है। और हर सब्जेक्ट की तैयारी, जैसे मैं जैसे आज GK की तैयारी कर रहा हूँ, जनरल अवेयरनेस की तैयारी करेंगे, ठीक है। आपका जो जो एरिथमेटिक है, जो मैथमेटिक्स है, उसकी भी तैयारी करेंगे, आपका इंग्लिश पेपर की भी तैयारी करेंगे, ठीक है। आपका जो कंसर्न्ड जितने भी जो चार पेपर्स हैं, जैसे जो रिटर्न एग्जाम जो 100 मार्क्स की जो आपका होगा, तो उसमें आपका चार जैसे सब्जेक्ट चैप्टर्स है, जैसे जनरल नॉलेज आपका है, रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, आपका इंग्लिश है, तो ये सारे टॉपिक जो है हम डे बाई डे आपको कवर करेंगे। तो इसके साथ मैं जरा मेरा जो मतलब क्वेश्चन है, जो सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, वो कुछ इस प्रकार है। यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 21 है। जैसे 21 नंबर में आप देखिए, सागरमाला प्रोजेक्ट इज रिलेटेड विथ, इसमें पूछा गया है जो सागरमाला प्रोजेक्ट एक है, तो वो किसके साथ रिलेटेड है, मतलब उसमें सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर क्या ऑब्जेक्टिव्स रख के हमारा सरकार ने सागरमाला प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। इसमें दो चीज़ें मैं बताऊंगा। सबसे पहला तो सवाल इसमें है, सागरमाला प्रोजेक्ट रिलेटेड किससे है। जो बच्चे हिंदी में इंग्लिश में अगर पढ़ने में कोई दिक्कत होता है, तो वो हिंदी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए जितने भी क्वेश्चन है इंग्लिश और हिंदी में रखा गया है, ठीक है, आप लोगों की सुविधा के लिए। देखिए, सागरमाला परियोजना डैश से संबंधित है, तो ठीक है, सागरमाला जो परियोजना है, ये मैं इसका जो राइट आंसर अगर बताऊं, ये है आपका बंदरगांव का आधुनिकरण, ये ऑप्शन है सी है, जो कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ पोर्ट्स जिसको बोलते हैं, जो जितने भी हमारा बंदरगांव है उसकी जो मॉडर्नाइजेशन है, मॉडर्न जमाने के हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करने, डेवलपमेंट करने की ये जो प्रोजेक्ट है, सागरमाला प्रोजेक्ट है। और एक चीज़ मैं बताऊंगा, इसमें और एक क्वेश्चन आ सकता है, जैसे सागरमाला प्रोजेक्ट जो है कब लॉन्च हुआ था, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कब लॉन्च हुआ था, तो आपका आंसर रहेगा 31 जुलाई 2015, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के अंदर आपको दो, एक क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है, इसमें दो क्वेश्चन आप लोगों को मैंने, दो क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया। जैसे पहला क्वेश्चन सागरमाला प्रोजेक्ट रिलेटेड टू, ये आपका हो जाएगा बंदरगांव का आधुनिकरण, और ये जो सागरमाला प्रोजेक्ट है ये कब लॉन्च हुआ था, अगर ऐसे पूछा जाता है तो 31 जुलाई 2015, ठीक है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पिछले कई एग्जाम में आ भी चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो आपको मैं इसको एनालिसिस करता हूँ। जैसे देखिए, द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द प्लेसेस ऑफ सेम हाइट एट इक्वल इंटरवल्स आर डैश, उसको क्या बोला जाता है, ठीक है। इसमें बोला गया है एक इमेजिनरी लाइन, जैसे कि आप लोगों को पता है हमारा जो इक्वेटर है, दैट इज ऑल्सो इमेजिनरी लाइन है, जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकम, ये जैसे सारे जो है इमेजिनरी लाइन्स है, उसी तरह की कुछ इमेजिनरी लाइन यहाँ पे बात हो रहा है। जैसे इमेजिनरी लाइन्स जॉइनिंग द प्लेसेस ऑफ सेम हाइट एट इक्वल इंटरवल्स आर, उसको क्या बोला जाता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, जैसे कंटूर से, मैं उसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए,
जैसे हर आप जैसे जानते हैं, हमारा खास करके हमारे इंडिया की बात करेंगे, अगर पूरा वर्ल्ड की बात करेंगे, पूरा अगर हम अर्थ की बात करेंगे, इसमें क्या है, बहुत कुछ प्लेस जो है ऊंचाई में, हाई अल्टीट्यूड में है, मतलब ऊंचाई पे है, कुछ प्लेस जो है नीचे। मान लो एक प्लेस यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे है, तो मान लो डी जो प्लेस इतनी हाइट पे अगर बैठा है, तो कोई प्लेस कोई भी ऐसा है, जैसे सियाचिन ग्लेशियर्स है, वो बहुत ऊंचाई पे है, तो ठीक है। तो मान लो यहाँ पे कोई प्लेस बैठा हुआ है, ठीक है, कोई प्लेस इतना दूरी पे बैठा होगा, इतना हाइट पे बैठा होगा, ठीक है, अर्थ के ऊपर से, कहीं पहाड़ी इलाका है, कहीं मतलब समतल इलाका है जहाँ प्लेन है, कहीं रेगिस्तानी इलाका है, तो उसी हिसाब से प्लेस जो जितने भी स्थान है सबका हाइट अलग अलग है, हाइट अलग अलग है, ठीक है। इसमें ये पूछ रहा है जो समान हाइट वाले मान लो, समान हाइट वाले, इसका मान लो हाइट अगर 100 मीटर मान लेते हैं, इसका हाइट अगर 100 मीटर मान लेंगे, तो इसका मतलब ये दोनों का हाइट बराबर है। तो ये दोनों ऐसे दोनों समान हाइट वाले जो क्या बोल रहा है, तो इमेजिनरी लाइन, जो भी एक इमेजिनरी लाइन है, समान हाइट वाले जो इमेजिनरी लाइन है जॉइनिंग, जैसे इमेजिनरी लाइन मान लेते हैं, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये जॉइनिंग कर रहा है, तो प्लेसेस ऑफ सेम हाइट, जो प्लेस समान ऊंचाई में, सेम ऊंचाई में जो लाइन, जो एक इमेजिनरी लाइन जो ज्वाइन कर रहा है, उसी लाइन को हम क्या कहते हैं, ठीक है। और उसी लाइन जो है इसको हम क्या कहते हैं, कंटूर्स। मान लो समान हाइट ये है, मान लो यहाँ पे एक प्लेस है जो कि 100 मीटर इसका हाइट है, तो समान इसको भी क्या करेगा, वो कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसमें बोला गया है, इसलिए जो इमेजिनरी लाइन है सेम हाइट वाले और सेम इंटरवल, जैसे यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जितना होगा, यहाँ से वहाँ उतना डिस्टेंस होना चाहिए, जो दोनों सेम ऊंचाई वाले जगह की, ठीक है। तो उसी जो सेम ऊंचाई वाली जगह को जो इमेजिनरी लाइन जॉइन कर रहा है, उसी लाइन को हम क्या कहेंगे, कंटूर्स कहेंगे, ठीक है। ये भी एक आपका जो ज्योग्राफी चैप्टर का एक क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, देखिए। द आयुष्मान भारत स्कीम इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मेडिकल कवरेज अप टू डेथ पर फैमिली पर ईयर। इसमें बोला जा रहा है, जो बच्चे इंग्लिश में जिनको समझने में प्रॉब्लम होगा, तो वो हिंदी भी मतलब पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी आंसर कर सकते हैं आपका, जबकि आपका जो क्वेश्चन आंसर होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पे होगा, ठीक है। तो देखिए, जो आयुष्मान भारत स्कीम इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मेडिकल कवर अप टू डेथ पर फैमिली पर ईयर। अच्छा, ये जो इसमें जो पूछा गया, इसका राइट आंसर सबसे पहले मैं बताऊं, इसका जो राइट आंसर है ये ऑप्शन ए है, दैट इज 5 लाख। इसमें बताया गया कि एक आयुष्मान भारत एक स्कीम है जो हमारी भारत सरकार ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है, एक जो लॉन्च किया है, इसमें जो कवर क्या हो रहा है, इसमें 5 लाख तक की जो मेडिकल कवर मिलेगा, 5 लाख रुपया तक मेडिकल कवर मिलेगा। किनको मिलेगा, इसमें जो दिए हुए हैं, इसमें जो बीपीएल लिस्ट में है जैसे बिलो पॉवर्टी लिस्ट, जैसे हमारा शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट, ठीक है, इस तरह की जो कास्ट है इसके अंदर जो, या चाहे ओबीसी कैटेगरी के अंदर हो, बीपीएल जैसे अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर कुछ जो परिवार होते हैं जो कि बीपीएल लिस्ट के अंदर शामिल होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, तो उन तमाम परिवार, अच्छा, और भी कुछ जैसे हैं, कुछ ऐसे कोई फैमिली होगा जिन फैमिली में कोई एडल्ट मैन नहीं होगा, एडल्ट मैन मतलब 16 साल से लेकर 59 ईयर्स तक उनका घर में कोई मेल कैंडिडेट नहीं होगा, मतलब मेल कैंडिडेट कोई पुरुष नहीं हो, पुरुष हो सकता है, जैसे बच्चे होंगे अगर मान लो 16 साल से कम है तो उनको मिलेगा, 16 साल से अगर किसी परिवार में लेडीज है बट उनके 16 साल से लेकर 59 ईयर्स तक कोई एडल्ट जो मैन नहीं है, पुरुष नहीं है, तो भी उन तमाम परिवार को मिलेगा, जितने भी बेगर्स है, जो भिखारी है, उनको भी, उनके लिए भी ये जो आयुष्मान भारत स्कीम जो है इंट्रोड्यूस भारत सरकार ने किया है, एक जो काफ़ी जो है अच्छे चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये जो आपका ये क्या बोलते हैं, इस योजना को भी दूसरा भी एक नाम है, जिसको हम बोलेंगे कि इसका दूसरा नाम है PMJY, क्या है, दूसरा नाम है PMJAY, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, यह PM होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ये जन आरोग्य योजना, क्या बोलते हैं इसको, प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य
योजना भी इसको कहते हैं। तो इसमें देखो कितने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एक तो क्वेश्चन पूछा कि आयुष्मान जो भारत स्कीम जो इंट्रोड्यूस हुआ है हमारा भारत सरकार के द्वारा, उसमें कितना लाख रुपया तक जो है लोगों को मेडिकल कवरेज मिलेगा जो बीपीएल लिस्ट के अंतर्गत है जो लोग, तो उसमें सबसे पहला आंसर आपको 5 लाख मिल गया। दूसरी जो क्वेश्चन होगा, तो इस जो आयुष्मान भारत स्कीम जो इंट्रोड्यूस हुआ है उसका दूसरा नाम क्या है, अगर दूसरा अदर नेम पूछता है तो आप ये लिख सकते हैं, ये PMJYY, आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप PMJYY भी लिख देंगे, प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना अगर आप लिखते हैं तो भी चल जाएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्व रखता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रीजन, इसमें पूछ रहा है कि पंचमढ़ी जो है बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ पे है, क्या अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है ये है आपका जो पंचमढ़ी है ये क्या है आपका कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी है, जब पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और ऐसे इसमें और भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हमारा पूरे इंडिया के अंदर कितने बायोस्फीयर्स है, अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर होगा 18, ठीक है। अगर पूछा जाता है हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया, ठीक है, तो उसका आंसर होगा 18 है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया 18 बायोस्फीयर हमारा इंडिया के अंदर है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जैसे कि मैंने बताया कि कंप्लीट जो है इसमें जितने क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ बिल्कुल सिलेक्टिव और छांट छांट के क्वेश्चन लेके आया हूँ, ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम बर्बाद मत करूँ। एक साथ 100 क्वेश्चन पढ़ाऊँ और अगर मीनिंगलेस क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, 100 क्वेश्चन, ठीक है। जैसे आप समझ पा रहे हैं, हज़ार लाखों तारा में से कुछ नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन बट एक चांद जो है पूरा रोशनी फैला देता है। तो उसी तरह मैं आप लोगों का टाइम खोटा नहीं करना चाहता हूँ, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना चाहता हूँ, बिल्कुल छांट छांट के सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए टोटल ये टॉपिक के अंदर 21 क्वेश्चन जो है मैं कवर करूँगा, बट उसी के अंदर आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है मिलते रहेंगे, मैं बताते रहूँगा कैसे कैसे मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए ये जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एक हम एक राज्य का मेंबर होने के नाते, एक राज्य का मतलब एक नुमाइंदा होने के नाते हमको पता होना चाहिए, हर जवान को, हर चाहे वो लेडीज हो चाहे मेल हो फीमेल हो, उसको पता भी होना चाहिए, ठीक है। देखिए, व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर, इसमें पूछा गया है हमारा जो मुख्यमंत्री होते हैं उनका ड्यूटी, हमारा जो भारतीय संविधान में कौन सी आर्टिकल में लिखा गया है उनका ड्यूटी के बारे में, चीफ मिनिस्टर का ड्यूटी क्या होता है, वो किस में, हमारा जो भारतीय संविधान की जो भारतीय संविधान की कौन सी आर्टिकल में, अनुच्छेद में, कौन सी अनुच्छेद में ये चीज़ को लिखा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबको पता भी होना चाहिए। ये है आर्टिकल 167, आर्टिकल नंबर 167 के अंदर लिखा गया है एक चीफ मिनिस्टर जो एक मुख्यमंत्री होता है उसका ड्यूटीज क्या होते हैं, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं, इसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। इसके चलते और भी एक दो चीज़ें मैं बताता हूँ, जैसे चीफ मिनिस्टर की अगर आपको अगर पूछा जाएगा तो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी के बारे में, अगर चीफ मिनिस्टर की बारे में, चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी के बारे में अगर आर्टिकल 167 के अंदर पूछा गया तो पीएम, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर का ड्यूटी के बारे में, तो किस आर्टिकल में लिखा गया है, ठीक है। हमारा जो प्राइम मिनिस्टर, ड्यूटीज ऑफ जो प्राइम मिनिस्टर जो है वो आर्टिकल नंबर 78 की में मेंशन किया गया है हमारा देश का जो प्राइम मिनिस्टर का ड्यूटी क्या है। ऐसे ही हमारा जो प्रेसिडेंट होते हैं, हमारा जो प्रेसिडेंट है उनका भी ड्यूटी जो है आपका आर्टिकल नंबर जो 60 होता है, आर्टिकल नंबर 60 के अंदर हमारा जो भारत के जो राष्ट्रपति का क्या ड्यूटी है उसके अंदर उल्लेख किया गया है या मेंशन किया गया है, लिखा गया है, ठीक है। ये तीनों जो क्वेश्चन है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीफ मिनिस्टर का ड्यूटी कौन सी आर्टिकल में लिखा गया है, प्रधानमंत्री का जो ड्यूटीज के बारे में कौन सी आर्टिकल में लिखा गया है, और प्रेसिडेंट का ड्यूटी के बारे में कौन सी आर्टिकल में लिखा गया है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ जितना भी क्वेश्चन है मोस्ट वांटेड मोस्ट सिलेक्टेड है, ठीक है। चलिए अच्छा, इसमें देखिए, व्हेन इज द वर्ल्ड काइंडनेस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, काफ़ी सारे बच्चे जो काइंडनेस डे के बारे में सुने नहीं होंगे, बट इसका जो राइट आंसर है वो है 13th November, वो क्या है 13th November, जो वर्ल्ड का काइंडनेस डे जो है 13th November को मनाया जाता है, कितना नवंबर को, 13th November को। देखिए 13th November को वर्ल्ड काइंडनेस डे मनाई जाती है जो ये, ठीक है, और जो 14th November को, ये जो 14th November होता है ये होता है वर्ल्ड डायबिटीज डे की रूप से मनाया जाता है, ठीक है।
तो इस यहाँ पे आपको दो चीज़ें मिल गया, एक तो 13 नवंबर वर्ल्ड काइंडनेस डे और 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज डे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं जो सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू, इसमें पूछा गया है कि जो सियाचिन जो ग्लेशियर है, जो कि जिसको हाईएस्ट जो है बैटल फील्ड कहा जाता है, हाईएस्ट बैटल ग्राउंड कहा जाता है पूरा वर्ल्ड के अंदर, हाईएस्ट बैटल ग्राउंड क्या कहा जाता है इसको, हाईएस्ट बैटल ग्राउंड। ठीक है, हाईएस्ट बैटल ग्राउंड लड़ाई का क्षेत्र, ठीक है, बैटल ग्राउंड ये पूरा वर्ल्ड के अंदर, सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, पूरा वर्ल्ड के अंदर जो सियाचिन जो है, सियाचिन ग्लेशियर, ये पूछ रहा है जो सियाचिन ग्लेशियर है कहाँ पे स्थित है। इसके इसमें जो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर जो ऑप्शन डी है, नॉर्थ ऑफ निब्रा वैली, वहाँ पे एक निब्रा वैली है, निब्रा वैली का नॉर्थ में जो है ये सियाचिन ग्लेशियर जो है स्थित है। ठीक है, निब्रा वैली का आपका उत्तर में, उत्तर की तरफ। ठीक है, तो ये जो लिखा है ना नुब्रा घाटी के उत्तर, ये जो ऑप्शन डी लिखा है नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। इसमें भी दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर इसमें पूछा गया है कि सिचुएटेड टू द, ये पूछा है तो इसलिए हमने नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली लिख दिया। जब अगर ऑप्शन आया होगा आपका, जो नेक्स्ट ऑप्शन आया होगा कौन सी रेंज के ऊपर है सियाचिन जो आपका ग्लेशियर है, कौन सी रेंज के ऊपर है, अगर रेंज पूछता है कौन सी माउंटेन रेंज, पर्वत रेंज के ऊपर है अगर पूछता है, वो है काराकोरम। कौन सी है, काराकोरम रेंज, कौन सी है, काराकोरम रेंज। तो इसमें दो क्वेश्चन हो गया, एक तो आपका नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली हो गया, अगर पूछता है तो ये कौन सी माउंटेन रेंज के ऊपर स्थित है, तो आपको लिखना पड़ेगा काराकोरम माउंटेन रेंज के ऊपर सियाचिन ग्लेशियर जो है, सियाचिन जो है स्थित है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोबारा आ गया आपके सामने, जैसे क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में केवल एक अनुच्छेद है। ठीक है, जैसे हमारे भारतीय संविधान को में तमाम जो डिफेंस एस्पिरेंट्स है, चाहे वो पैरामिलिट्री एस्पिरेंट्स है जो भर्ती होना चाहते हैं, तम सभी को मैं बताता हूँ, हमारा जो भारत की जो संविधान, उसको भाग और अनुच्छेद में बांटा गया है। ठीक है, भाग और अनुच्छेद में बांटा गया है, तो इसमें पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ओनली वन आर्टिकल। इसमें ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के संविधान का कौन सी भाग में सिर्फ एक आर्टिकल है, सिर्फ एक आर्टिकल है। इसका जो आंसर है आपका, राइट आंसर है दैट इज जो है ऑप्शन डी है, जो 20वां भाग, ये है पार्ट XX, मतलब पार्ट ये क्या है, ये क्या है आपका भाग, ये जो है आपका भाग जो है 20वां भाग में सिर्फ एक आर्टिकल है, सिर्फ कितना आर्टिकल है, एक ही आर्टिकल है, बाकी जितना भी भाग है सारे भाग में मतलब एक से ज़्यादा आर्टिकल है, बट एक भाग ऐसा है जो उसमें आर्टिकल एक ही आर्टिकल है, वो आर्टिकल कौन सा है, वो 360 नंबर आर्टिकल, 368 आर्टिकल नंबर, आर्टिकल नंबर कितना है, जो भाग 20वां में एक ही आर्टिकल जो बताया जा रहा है उसका नंबर कितना है, आर्टिकल नंबर 368। अच्छा, ये जो आर्टिकल 368 में क्या बताया गया है, इसमें क्या मतलब कर सकते हैं, इसमें क्या चीज़ उल्लेख किया गया है आर्टिकल 368 के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर समझ नहीं आता है तो बार बार इसको देखिए, अगर कोई चीज़ कन्फ्यूजन होता है तो दोबारा मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता हूँ इसमें 368 के अंदर क्या क्या है। ठीक है, ये जो भाग जो XX है, जो भाग 20 है, इसके अंदर आर्टिकल नंबर कौन सा हो गया, 368 कौन सी हो गया आपका, हो गया 368। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखा गया है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर क्या है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में लिखा गया। संविधान का जब भी कोई चीज़ें को हम बदलाव करते हैं या चेंज करते हैं, कोई जैसे कोई आर्टिकल का कुछ हिस्सा चेंज करते हैं, कुछ बदलाव संविधान के अंदर करने की जरूरत पड़ता है, कि देश के अंदर कोई रूल रेगुलेशन या कोई पॉलिसी या कोई स्कीम के अंदर जरूरत पड़ता है, तो ये जो आर्टिकल नंबर 368 के तहत उसको हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें आपको दो क्वेश्चन मिल गया, एक तो मिला कि कौन सी भाग में एक आर्टिकल है, जो 20वां भाग पार्ट XX, उसमें कौन सा आर्टिकल नंबर क्या है अगर पूछा जाता है हमारा, जो 20वां भाग में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 20वां भाग में कौन सी आर्टिकल है अगर पूछा जाता है, तो 368 पूछोगे। अगर पूछा जाता है आर्टिकल नंबर 368 में क्या उल्लेख किया गया है,
तो उसमें ऑप्शंस दिए होंगे, ऑप्शन जो चार ऑप्शंस दिए होंगे, चार ऑप्शंस के अंदर ये भी ऑप्शन होगा अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आपको इसको टिक करना है। ठीक है, इसमें तीन क्वेश्चन है आपको, एक क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन जो है मैंने तैयार किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा गया है, इसमें देखिए, इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज पाकुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। इसमें ये देखिए, पाकुई वाइल्ड लाइफ मतलब जो आपका अभयारण्य होता है, जो वन जीव होते हैं अभयारण्य को क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बोलते हैं। अच्छा, इसमें पूछा जा रहा है कि जो पाकुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन सी स्टेट में जो है स्थित है, ये पूछ रहा है। इसका आंसर देखिए, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान और महाराष्ट्र। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए है, वो है अरुणाचल प्रदेश। ये जो पाकुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसका जो दूसरा नाम क्या है, जो पाकुई वाइल्ड लाइफ को भी इसका एक दूसरा नाम भी है, जैसे इंसान के अंदर जो एक निकनेम होता है बोलने वाला, घर में बोलते हैं या मामा बोलते हैं, अलग जैसे माँ एक अलग नाम देता है, तो उस तरह की ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसका एक अदर नेम भी है जिसको बोलते हैं पाके टाइगर रिजर्व। क्या बोलते हैं? पाके टाइगर रिजर्व। ठीक है, पाके टाइगर रिजर्व। अगर इसका पूछता है ये जो पाकुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, द अदर नेम ऑफ पाकुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अगर ऐसे पूछता है तो आप लिखोगे पाके टाइगर रिजर्व लिखोगे। ठीक है, ये उसका अदर नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाख बॉक्स किससे कहा जाता है। इसमें पूछा गया है लाख बॉक्स जो है किससे कहा जाता है। ठीक है, इसमें देखिए, इंग्लिश में जो बच्चे हिंदी समझ नहीं पाते वो इंग्लिश देख सकते हैं, हु वाज कॉल्ड लाख बॉक्स, किनको लाख बॉक्स के नाम से जो है जाना जाता है, कौन है वो। इसमें इसका जो राइट आंसर है ये ऑप्शन ए है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इनको लाख बॉक्स के नाम से जाना जाता है। लाख बॉक्स क्यों इनको लाख बॉक्स कहा जाता है, उसका जो सबसे बड़ी जो रीजन है, ये जो है बहुत बड़ी जो है दानी आदमी है, मतलब ये डोनर है, ये डोनेट करते हैं काफ़ी सारे डोनेशन, लाख लाख रुपये की ये जो है डोनेशन करते हैं। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये कौन है, सबसे पहले बताता हूँ, ये दिल्ली का फास्ट सुल्तान है। ये जो हमारा दिल्ली है, जो कैपिटल हमारा है हमारा देश का, तो उसका जो फास्ट सुल्तानेट ये थे, जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है फास्ट सुल्तान है दिल्ली का। ठीक है, और ये क्या है, स्लेव डायनेस्टी, जो गुलाम साम्राज्य जो बोलते हैं ना, गुलाम साम्राज्य, तो वो गुलाम साम्राज्य का प्रतिष्ठाता भी है ये, जो स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। कौन सी डायनेस्टी? स्लेव डायनेस्टी का ये प्रतिष्ठाता, स्लेव डायनेस्टी। इसको जो बच्चे अगर हिंदी में इसको अगर लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं गुलाम साम्राज्य का जो है ये प्रतिष्ठाता है कुतुबुद्दीन जो ऐबक है, और दिल्ली का फर्स्ट सुल्तानेट। ठीक है, अगर पूछा जाता है ये जो स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, उसका भी आंसर वही है कि मतलब ये पूछ रहा है कि जो स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर प्रतिष्ठाता कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। अगर पूछेगा कि फर्स्ट सुल्तानेट ऑफ दिल्ली, ठीक है, दिल्ली का पहला सुल्तानेट कौन है, उसका भी आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा, इसमें लेकिन बताया गया है कि ये जो है इनको लक बॉक्स के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये जो है उनका समय पे लाख लाख रुपया उन्होंने जो है डोनेशन दिया है, जो वेरियस जो चैरिटी है, जो संस्था है, जैसे कि वृद्धाश्रम है, अनाथ आश्रम है, इस तरह की जो काफ़ी सारे जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट को उन्होंने लाख लाख रुपया जो है उन्होंने अनुदान दिया है, दान किया है, तो इसलिए उनके नाम से वो लाख लाख रुपये का अनुदान देते थे, इसलिए लाख बॉक्स के नाम से उनको जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा जो क्वेश्चन है, इंसुलिन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इंसुलिन जो साइंस साइड के बच्चे हैं तकरीबन उन्होंने तो सुन लिए होंगे, जो आर्ट्स और कॉमर्स साइड के जो बच्चे हैं उनको थोड़ा जो साइंटिफिक टर्म जब आता है तो थोड़ा सा दिक्कत होता होगा। मैं इसको थोड़ा जो है क्लियरली इसको एनालिसिस करता हूँ ताकि आपका दिमाग में इस चीज़ को बैठेगा। जो इंसुलिन है, ये जो इंसुलिन है, इसमें पूछा गया इंसुलिन इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें से किसके साथ तो उसको जो है रिलेट करता है, किसके साथ संबंधित है, तो इसका राइट आंसर जो है वो हार्मोन है। जो हमारा इंसुलिन जो है वो एक हार्मोन है, जो आपका क्या बोलते हैं उसको
ये जो हार्मोन है आपका, ये हार्मोन को बोलते हैं, इसका पूरा नाम है पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। ये जो इंसुलिन है एक हार्मोन है, ठीक है। और ये सीक्रेट होता है कहाँ से, पैनक्रीज से सीक्रेट होता है। ये जो हार्मोन है ये कहाँ से सीक्रेट होता है, हमारा जो बॉडी के अंदर जो पैनक्रीज होते हैं वो पैनक्रीज से सीक्रेट होता है, ठीक है। जो पैनक्रीज के अंदर और सिंथेसाइज कहाँ होता है, विद इन द बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ हैंग्रांस, ठीक है। और ये पैनक्रीज से सीक्रेट होता है और सिंथेसाइज होता है कहाँ पे, ये होता है बीटा सेल्स, विद इन द बीटा सेल्स ऑफ द आइलेट्स ऑफ आपका लेरांस, ठीक है, वहाँ पे जो है सिंथेसाइज होता है। इसका जो मेन काम है ये इंसुलिन बताता हूँ। अच्छा, आप लोगों ने जैसे सुना होगा आजकल जो 40 से ऊपर वाले बहुत सारे ऐसे जो बंदे हैं, चाहे वो आप लेडीज ले लो या जेंट्स ले लो, पुरुष या औरत ले लो, तो इनको एक कॉमन बीमारी जो है डायबिटीज़ की बीमारी है। तो डायबिटीज़ बीमारी में होता क्या है, डायबिटीज़ बीमारी जो है उसमें हमारा जो शुगर लेवल है बॉडी का, शुगर लेवल नॉर्मली हमारा होता है कि बच्चे के अंदर भी होता है, ठीक है। लेकिन जो है शुगर को बच्चा जो है वो डाइजेस्ट आसानी से कर लेता है, उसका इंसुलिन जो है बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है तो उसको कंट्रोल कर लेता है। लेकिन 40 साल उम्र के बाद जो पुरुष या महिला के अंदर इंसुलिन जो है सिक्रेशन होना कम हो जाता है, ठीक है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। और जैसे कम हो जाता है तो हमारा ब्लड में शुगर की लेवल की मात्रा बढ़ जाते हैं, शुगर की लेवल की मात्रा जब बढ़ जाते हैं तो डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे शुगर की लेवल की मात्रा बढ़ जाएंगे, हमारा शरीर में कोई भी अगर छोटा सा टूट फूट या चोट भी लगता है वो इतना आसानी से ठीक नहीं होता, ठीक है। तो ये होता है इंसुलिन के कारण, इंसुलिन जब मतलब कम मात्रा में सीक्रेट होना शुरू हो जाता है तो हमारा ब्लड में ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ जाता है, जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं, ठीक है। तो वो जो इंसुलिन है, इंसुलिन जो है एक हार्मोन है, ये हार्मोन के साथ संबंधित है और इसको मेन एनाबॉलिक हार्मोन भी कहते हैं। इसको जो इंसुलिन को भी क्या कहते हैं, मेन एनाबॉलिक हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मेन एनाबॉलिक हार्मोन भी क्या करते हैं, क्या हार्मोन कहते हैं। अच्छा, ये जो इंसुलिन क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होता है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के थ्रू हमारा ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आज डे टू डे लाइफ में आजकल की जो हमारा जनरेशन है, आजकल की ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है, तो ये क्वेश्चन आपको रिपीटेड भी हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन में पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज कॉल्ड द सिस्टर ऑफ अर्थ। ये इसमें पूछा गया है कि कौन सी जो प्लैनेट है जिसको अर्थ हमारा जो धरती का बहन माना बोला जाता है, कौन सी ऐसे प्लैनेट, जैसे अर्थ एक प्लैनेट है, एक दूसरा जो प्लैनेट है उसको कौन सा जो प्लैनेट है जिसको हमारा अर्थ का सिस्टर प्लैनेट कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरा देश की जितना भी युवा है सबको इसका आंसर के बारे में पता होगा, उम्मीद करता हूँ। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 को मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है, और आप मेरे को कमेंट करके ये आंसर बताएंगे तो मेरे को बहुत खुशी मिलेगा। मेरे को लगेगा कि मेरा जो वीडियो में मेरा जो इसमें आप लोग एक तो इंटरेक्ट कर रहे हैं, और जो बच्चे इसको मान लो ये आंसर अगर करने में असमर्थ होते हैं, बिल्कुल भी दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं ये चीज़, जो क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं ये क्वेश्चन को शेयर कर दीजिएगा, मैं उसका कमेंट के माध्यम से आपको आंसर जो है शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये एक बहुत आसानी सा क्वेश्चन है जो जानने वाले हैं, हो सकता है कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन को तमाम बच्चे इसका सही आंसर जो है मेरे पास सेंड कर दे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9, जो नागरिकता होता है, सिटीजनशिप जिसको कहते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में संबंधित है। भारतीय संविधान के कौन सी भाग में नागरिकता जो है हमारा सिटीजनशिप के बारे में लिखा गया है, ये जो इसी प्रश्न का पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान में नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में कौन सी भाग में उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है ये आपका सी ऑप्शन सी है, भाग दो में जो हमारा भारतीय संविधान का भाग दो में सिटीजनशिप नागरिकता का, भारतीय नागरिकता के बारे में उसमें विश्लेषण किया गया है, उसमें जो है लिखा गया है। अगर इसमें अगर क्वेश्चन होता है जो सिटीजनशिप जो होता है, जो नागरिकता भारतीय संविधान का, ये तो हो गया भाग, कौन सी भाग में लिखा गया है। अगर ये पूछा जाता है तो कौन सी आर्टिकल के तहत, कौन सी आर्टिकल में कौन सी अनुच्छेद के अंदर इसका वर्णन किया गया है, जो नागरिकता भारत का जो नागरिकता है उसको
हमारा भारतीय संविधान का कौन सी अनुच्छेद के अंदर वर्णन किया गया है? ऐसे अगर क्वेश्चन होता है उसका आंसर होगा 5 to 11, आर्टिकल नंबर 5 to 11, आर्टिकल नंबर 5 to 11, 5 से लेकर 11 आर्टिकल तक हमारा भारतीय नागरिक का जो सिटीजनशिप के बारे में उसमें उल्लेख किया गया है या बनना क्या है। तो इसमें 2 क्वेश्चन आपको मिल गया। ये क्वेश्चन भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे पैरामिलिट्री सेक्टर हो, चाहे सिविल सेक्टर हो, इवन इफ ये यूपीएससी तक, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो एसपी कलेक्टर जो बनते हैं उनके वहाँ तक भी ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इज रिलीज बाय, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इज रिलीज बाय। इसका सबसे पहले तो इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ। राइट आंसर है जो है ऑप्शन बी है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसको ये रिलीज करता है, जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इज रिलीज बाई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, उसके बाद समझते हैं जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स होता क्या है। ये जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो होता है इसका जो काम क्या है, ये नापता है, क्या नापता है, एफिशिएंट एसेसिबल एंड इंक्लूसिव एनर्जी सिस्टम को। ठीक है, जो तमाम जो देश के अंदर जो उनका मेजरमेंट उसके पास है, जो क्या करते हैं एफिशिएंट एसेसिबल एंड एक्सक्लूसिव एनर्जी, जितना एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं अलग अलग तरह से, सोलर सिस्टम के माध्यम से या इलेक्ट्रिकल सिस्टम के माध्यम से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसका एक इंडेक्सिंग होता है। हर देश कितना कितना एनर्जी जो है जनरेट कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है, ठीक है, कितना एनर्जी जो है, तो सारे का एक इंडेक्स है, हर देश का एक इंडेक्स है। ठीक है, किसके पास है, वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको तैयार करता है। अच्छा, और एक क्वेश्चन बताता हूँ, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है उसमें 115 देश शामिल है, कितना देश शामिल है, 115 देश ये इंडेक्स के अंदर शामिल है। किसमें शामिल है, एनर्जी ट्रांजिशन जो इंडेक्स है उसके अंदर 115 देश शामिल है। तो अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ मेनी कंट्रीज आर एसोसिएटेड विथ एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, अगर ये क्वेश्चन होता है हाउ मेनी कंट्रीज आर एसोसिएटेड विथ एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, तो आपका आंसर होगा कितना होगा, 115। उसमें अगर पूछा जाता है भारत का पोजीशन, इंडिया का जो पोजीशन जो है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में, ठीक है, इंडिया पोजीशन इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स अगर पूछा जाता है तो भारत का पोजीशन कितना है, 87। भारत का जो पोजीशन है 7th पोजीशन में भारत है। ठीक है, पूरे कितने देश शामिल है उसमें, 115 और भारत का पोजीशन 87 है। तो देखिए एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, इसमें 3 क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। देखिए उसके बाद ये एक बहुत जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसे कि एक क्वाड है, बहुत सारे बच्चे हो सकता है जो बच्चे इसको सुने नहीं होंगे, क्वाड एक चीज़ें भी होता है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा इसको डीपली डिस्कस करूँगा और कुछ इमेज भी दिखाऊँगा ताकि आप लोगों को याद रखने में आसानी होगा। सबसे पहले तो क्वाड क्या चीज़ होता है, ये जो क्वाड इसमें पूछा गया है व्हिच कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्वाड, इसमें पूछा कि जो क्वाड में कौन सी कंट्री जो है, इसमें 4 देश दिए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन में दिए गए हैं, इसमें से क्वाड में कौन सी देश जो है इंक्लूड नहीं है, शामिल नहीं है। ठीक है, कौन सा देश शामिल नहीं है, देखिए ये जो क्वाड के अंदर जो है, देखिए ऑस्ट्रेलिया शामिल है, इंडिया शामिल है, जापान शामिल है, बट ये जो रशिया है ये रशिया शामिल नहीं है क्वाड के अंदर। ठीक है, तो इसको थोड़ा और डीप एनालिसिस के लिए मैं कुछ इमेज दिखाता हूँ। ठीक है, ये सबसे पहले क्वाड होता क्या है, देखिए यहाँ पे एक इमेज को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ देखिए ये यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यहाँ पे देखिए ये जो है जापान है, और तीसरी यहाँ पे देखिए इस कोने में इंडिया है, क्या है, इस कोने पे इंडिया है। तो देखिए ये जो बना हुआ है ये क्वाड्रिलेटरल है, क्या है, क्वाड्रिलेटरल, जैसे इसको हिंदी में चतुर्भुज कहते हैं, चतुर्भुज, ये एक चतुर्भुज है। तो देखिए 4 कोना पे 4 देश जो है, ये देश जो है, चारों देश जो है अपने आप को कैसे जोड़ते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल में जोड़ते हैं, चतुर्भुज में जोड़ते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो एक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये क्वाड्रिलेटरल जो चतुर्भुज में चारों देश जोड़ रहे हैं। इस सबसे इसमें बड़ी जो चीज़ें हैं इसमें देखिए स्पेसिफिक ओशन है, जो प्रशांत महासागर, स्पेसिफिक ओशन जो होता है प्रशांत महासागर है।
ठीक है, ये जो प्रशांत, देखिए ये जो चारों देश है, चारों देश की जो बीचों बीच में ये जो है स्पेसिफिकेशन है, तो यहाँ पे हमारा नेवल शिप जो है, हर देश का नेवल शिप जो है यहाँ पे ट्रेनिंग करता है, युद्धाभ्यास भी यहाँ पे करता है। ठीक है, तो लेकिन ये एक दूसरे से मतलब परमिशन लेके, ये जो क्वाड जो होता है, क्वाड में जो चार मेंबर है, ये जो क्वाड जो है, ये क्वाड का फुल फॉर्म क्या है, क्वाडिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसमें पूछा जा सकता है, देखिए क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है फुल फॉर्म ऑफ क्वाड, तो आप उस टाइम जो है ऊपर देखते रहोगे, अगर आप इसको ध्यान नहीं दोगे आपको ऊपर देखना पड़ेगा, आपको समझ में आएगा नहीं, एक मार्क आप गवा दोगे। ठीक है, जो क्वाड का जो सबसे पहला ये इसका जो फुल फॉर्म क्या हो गया, क्वाडिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसके अंदर ये जो क्वाड को बनाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो यहाँ जो प्रशांत महासागर है, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखो चाइना जो बैठा है यहाँ पे, ये देखो एक चाइना जो बैठा है, ये क्या करता है, ये जो क्वाड से किसी को बिना बताए ये अपना आप युद्धाभ्यास करता है और हर देश के ऊपर नज़र रखता है, यहाँ पे ऐसे घुसता है, यहाँ पे घुस के यहाँ बड़े बड़े जो नेवल शिप या मेराइंस वगैरह का जो फाइटर मेराइंस है उनका युद्धाभ्यास करता है और सारे देश को किसी से परमिशन नहीं लेता। तो ये चीज़ को रोकने के लिए चाइना का जो जो ये गंदी हरकत, चाइना का जो ये जो सोच को, ये जो कार्रवाई को रोकने के लिए ये चारों देशों ने मिलके एक संगठन बनाया जिसको नाम दिया क्वाड दिया, क्वाडिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसके अंदर ये चारों देश जो है इसके इसमें इसको फ्री कराएंगे, इस एरिया को क्या कराएंगे, फ्री स्पेसिफिक बनाएंगे, मतलब फ्री इंडो स्पेसिफिक, मतलब ये जो रीजन है फ्री रहेगा, इसमें चाइना का कोई भी नापाक हरकत यहाँ अंजाम ना दे सके, इसलिए ये करके इसके ऊपर तीव्र नज़र रखें ये चारों देश ने। ठीक है, ये होता है क्वाड। ठीक है, अभी समझ गए, तो क्वाड के अंदर रशिया नहीं है, जैसे कि देखिए यहाँ पे आप दिखा सकता हूँ, ये जो क्वाड के अंदर कौन कौन है, इंडिया है, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ठीक है, तो इसमें इसमें देखो और क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, एक तो क्वाड का फुल फॉर्म पूछ सकता है, दूसरी जैसे इसमें पूछा है कि कौन सी देश जो क्वाड के अंदर नहीं है, तीसरी जो बड़ी चीज़ पूछ सकता है क्वाड के अंदर कितने मेंबर्स है, तो आंसर होगा चार, चार मेंबर है ना, इंडिया, जापान, जैसे तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, यूएसए, तो चारों है, तो पूछ सक इसमें आपको दो तीन क्वेश्चन कर सकते हैं, कितने मेंबर्स पूछने से चार होगा, कौन सी मेंबर पूछने से, आपको पूरा मेंबर्स का नाम लिखना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका जो बीचों बीच वाले जो प्रशांत महासागर के जो इलाका है उसको फ्री स्पेसिफिक रीजन बनाना है, वो क्षेत्र को बिल्कुल फ्री बनाना है, मतलब सेफ क्षेत्र बनाना है, जैसे कि जो चाइना है किसी भी प्रकार का नापाक जो हरकत को अंजाम ना दे सके। ठीक है, इसीलिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, छोटा सा लेकर जितने भी जो हाई सबसे हाई लेवल का जो एग्जाम है उसके वहाँ तक की देखिए। अच्छा, नेक्स्ट एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट जो ये है, जो इसको करंट अफेयर में पूछा जाएगा, बहुत बड़ा ये एक ट्रेजेडी था हमारा कंप्लीट इंडियन जो इंडस्ट्रियल हिस्ट्री में, अगर जो हमारा जो वाणिज्य क्षेत्र में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर देखा जाएगा, ये बहुत बड़ा एक ट्रेजेडी था, जिसको विपदा बोलते हैं, कैलामिटीज बोल सकते हैं, डिजास्टर बोल सकते हैं, बहुत बड़ी विपत्ति था जिसके अंदर 15,000 से 20,000 लोग मर गए थे। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, भोपाल गैस जो इसमें हुई वाज द गैस हुई लीक इन भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो भोपाल में जो ट्रेजेडी हुआ था उसके अंदर कौन सी गैस का लीकेज हुआ था, जिसकी तहत इसमें तो नहीं बताया गया, लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने कलेक्ट किया हूँ, देखिए इसमें कौन सी गैस हुआ था, जो भोपाल में जो एक गैस का लीकेज हुआ था और बहुत बड़ा ट्रेजेडी हुआ था, बहुत बड़ा ट्रेजेडी मतलब उसमें 15,000 से 20,000 लोग मतलब विद इन नो टाइम के अंदर मर गए थे। ठीक है, और ऐसे जैसे कीड़े मकोड़े मरते हैं ऐसे ही, जैसे केमिकल वारफेयर होता है उसी टाइप का एक रिएक्शन था। ठीक है, केमिकल एक फैक्ट्री था तो उसमें केमिकल रिएक्शन की वजह से ऐसे हुआ है, उसका लीकेज किसका हुआ उसको मैं बताऊंगा, उसका आंसर राइट आंसर है वो है मिथाइल आइसोसियानेट। ये जो मिथाइल आइसोसियानेट जो एक केमिकल है, ये क्या होता है, कलरलेस होता है, इसका कोई रंग नहीं है कि पता लगेगा, एकदम ट्रांसपेरेंट कलर होता है, ये पता नहीं लगता है, हमारा जो वायुमंडल है उसमें पता नहीं लगता है फैल रहा है करके। और दूसरी ये बहुत ही जहरीला भी है, पॉइजनस, ये क्या है,
कलरलेस भी है और बहुत ही जहरीला जो गैस है, जैसे ये गैस फैलते ही अगर एक इंडस्ट्री के आसपास में ये गैस फैलते ही 15,000 से 20,000 लोगों को डेथ हो गई, तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं इस गैस का कितना, ये गैस जो है असर कितना है, कितना जहरीला हो सकता है ये गैस, लोगों को पता भी नहीं लगा, ठीक है। और ये जो ट्रेजेडी हुआ था ये भोपाल में हुआ था, जो भोपाल हमारा मध्य प्रदेश में, ठीक है। और इसमें पूछ सकता है ये जो मिथाइल आइसोसियानेट इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। इसका फॉर्मूला जो है, जो आइसोसियानेट का जो फॉर्मूला है मैं बताता हूँ, इसका फॉर्मूला है C2H3NO, क्या है C2H3NO है आइसोसियानेट। तो इसका फॉर्मूला भी पूछ सकता है, अगर फॉर्मूला पूछता है तो आप ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। C2H3NO जो है आइसो मिथाइल आइसोसियानेट की जो है फॉर्मूला है, ठीक है। और इसमें जो ये जो हिंसा कब हुआ था, ये हिंसा हुआ था भोपाल में हुआ था। और इसमें पूछा जा सकता है जो भोपाल ट्रेजेडी गैस लीकेज ट्रेजेडी कब हुआ था, अगर पूछेगा तो उसका आंसर होगा 3 दिसंबर, कितना हुआ था 3 दिसंबर 1984 में हुआ था। कब हुआ था 3 दिसंबर 1984 में भोपाल में MP में हुआ था, ठीक है। देखिए इसमें कितना क्वेश्चन हुआ, एक तो कौन सी गैस लीकेज था, मिथाइल आइसोसियानेट। अगर पूछा जाएगा उस गैस का फॉर्मूला क्या है, मिथाइल सियानेट का आइसोसियानेट का फॉर्मूला क्या है, तो ये लिख सकते हैं। अच्छा ये जो गैस लीकेज हुआ था वो कब हुआ था, अगर पूछा जाएगा तो 3 दिसंबर 1984, ठीक है। अच्छा उसमें अगर पूछा जाएगा कि ये कौन सी कंपनी की द्वारा हुआ था, कौन सी कंपनी जो है इसको, कौन सी कंपनी के द्वारा ये हुआ था, तो वो कंपनी का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। वो कंपनी है आपका, जो कंपनी है वो है यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन है, क्या है उसका कंपनी का नाम क्या है, यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ये कंपनी का नाम है जिस कंपनी में ये लीकेज की कार्रवाई हुआ था, यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन है। तो ठीक है इसमें देखिए 4-5 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से आपको निकल गया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5, देखो इसमें पूछा गया है इंसेक्ट आर स्टडीड बाय द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। थोड़ा सा जो साइंस और कॉमर्स बच्चों के लिए थोड़ी सी दिक्कत है, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं, मैं इसको एनालिसिस करता हूँ जैसे आप समझ पाएंगे। इंसेक्ट आर स्टडीड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें पूछा गया है कि इंसेक्ट का जो बिहेवियर वो जो स्टडी की जाती है, ठीक है, उसका साइंस क्या है, कौन सी साइंस है जिसके तहत इंसान का बिहेवियर को स्टडी की जाती है, ठीक है। जैसे हमारा साइंस होता है बायोलॉजी होता है जूलॉजी होता है, ठीक है, इस तरह की ये भी जो साइंस है, जो इंसेक्ट जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनका जो बिहेवियर्स, उनका जैसे तकलीफें, उनका शरीर का तकलीफें, उनका शरीर का बनावट, इस सारे चीज़ के बारे में कौन सी साइंस में जो है लिखा गया है, उसका जो राइट आंसर है वो है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी जो एक पार्ट है साइंस का जो पार्ट है उसमें जो है, उसमें जो इंसेक्ट का ऊपर जो है सारे चीज़ उसमें मेंशन है, जो एंटोमोलॉजी मतलब इंसेक्ट का जो बिहेवियर का स्टडी अगर करना चाहते हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे उनका बिल्डअप होता है, कैसे वो बड़े होते हैं, कैसे पैदा होते हैं, अगर सारी चीज़ें उनके बारे में अगर हम पढ़ना चाहेंगे तो हमको एंटोमोलॉजी साइंस का एक जो ब्रांच है जैसे बायोलॉजी जूलॉजी, तो उसी तरह की एक चीज़ें हैं जो एंटोमोलॉजी के द्वारा हम उनका बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी में अगर आपको पूछता है फिश का बिहेवियर को, फिश जैसे ये हो गया मछली, जो मछली का जो बिहेवियर को स्टडी करने वाला साइंस कौन सा है, जैसे ये इंसेक्ट का हो गया था एंटोमोलॉजी, अभी फिश का जो बिहेवियर को स्टडी करने के लिए कौन सा है, वो है देखिए इक्थियोलॉजी। फिश का जो बिहेवियर को स्टडी करने के लिए वो है इक्थियोलॉजी, जो साइंस है वो है इक्थियोलॉजी। जैसे ये फ्लावर्स का है, फ्लोरिकल्चर कौन सी है, किसका, फ्लावर्स का जो बिहेवियर को स्टडी करने के लिए जो होता है ये आपका फ्लोरिकल्चर होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, ये देखा गया है जैसे बाढ़ का, ये यहाँ पे इंसेक्ट दिया है, वो क्वेश्चन में पूछा गया है कि बाढ़ का जो बिहेवियर को स्टडी करने की साइंस क्या है, बाढ़ का बिहेवियर को स्टडी करने का साइंस क्या है, जो बाढ़ है वो है ऑर्निथोलॉजी, क्या है ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। क्या है बाढ़ का जो बिहेवियर को स्टडी करने वाला वो ऑर्निथोलॉजी है, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। जो बच्चों को पहले से पता है तो ठीक है, जो बच्चे को पता नहीं था तो इसको अगर समझ नहीं आता है इसको थोड़ा रिपीट करके एक दो बार देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, व्हेन वाज इंटरनेट सर्विस स्टार्टेड इन इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आज के ज़माने में सारे बच्चे बच्चे से लेकर बुढ़े से लेकर बुढ़ी से लेकर ऐसा जो अभी चला 2 साल का बच्चा भी वो मोबाइल नहीं छोड़ रहा है ड्यू टू इंटरनेट, क्योंकि इसमें इतने सारे फैसिलिटीज दिया गया है इंटरनेट की वजह से कि एक छोटा बच्चा भी एक बार अगर समझ जाता है तो फिर वो मोबाइल को या छोड़ता नहीं है, ठीक है, इंटरनेट का इस्तेमाल करता है। तो तकरीबन हमारा जो जनता है सबको पता होना चाहिए इंटरनेट की जो सेवा है हमारा भारत में कब स्टार्ट हुआ था। इसका जो राइट आंसर है वो है 15 अगस्त 1995। इसका ऑप्शन जो डी है, ऑप्शन डी है जो 15 अगस्त 1995 में शुरुआत हुआ था। और इसको शुरुआत जो किया था वो कंपनी है, वो जो कंपनी है वो है आपका उसका जो नाम है वो है बीएसएनएल क्या है, विदेश, ये जो होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल क्या है, विदेश संचार निगम लिमिटेड, ठीक है, ये होता है बीएसएनएल। ये कंपनी के द्वारा भारत में सर्वप्रथम 15 अगस्त 1995 एशिया में इंटरनेट सेवा की शुरुआत की गई थी, ठीक है। इसमें क्वेश्चन 2 हो सकते हैं, इसमें पूछा गया कि कब हुआ था, और दूसरा अगर क्वेश्चन पूछा किसके द्वारा हुआ था, कौन सी कंपनी भारत में सबसे पहले इंटरनेट सेवा की शुरुआत किया था, और जो अगर पूछा जाता है वो कौन सा होगा, बीएसएनएल कौन सी है, ये है आपका जो है विदेश संचार निगम लिमिटेड, ठीक है। ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूएनओ, जैसे यूएनओ को, यूएन का सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानना जरूरी है, जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, जो बच्चे नहीं जानते हैं वो लिख सकते हैं नोट पे, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इन व्हिच ईयर वाज द नोबेल पीस प्राइज अवार्डेड, जो यूएनओ है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को कब नोबेल प्राइज जो है पीस नोबेल पीस प्राइज कब दिया गया था, ठीक है, नोबेल प्राइज कब दिया गया था यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को, किसके लिए, ना पीस के लिए, पीस कीपिंग के लिए, ठीक है। तो ये जो है इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी है, जो कि 2001 में दिया गया था। 2001 में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को जो है पीस के तहत नोबेल प्राइज जो है अवार्ड की गई थी। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। दूसरी क्वेश्चन इसमें होगा, जैसे नोबेल प्राइज जो है फर्स्ट कब दिया गया था, सबसे पहले नोबेल प्राइज कब दिया गया था, ठीक है, सबसे पहले नोबेल प्राइज कब दिया गया था, 1901 मसीह में दिया गया था। सबसे पहले जो है नोबेल प्राइज कौन सी सन में दिया गया था, 1901 में नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। अच्छा, एशिया महादेश का सबसे पहला व्यक्ति कौन है जो नोबेल प्राइज जिसको मिला था, वो है आर एन टैगोर। उन्होंने गीतांजलि में वो गीतांजलि की वजह से आर एन टैगोर को कब दिया गया था, ना 1913 मसीह में, 1913 जो मसीह इसमें उनको जो है नोबेल प्राइज दिया गया था लिटरेचर की वजह से। ये जो गीतांजलि जो लिटरेचर लिखे हैं नोबेल लिखे हैं उसके लिए उनको मिला था, किसको, आर एन टैगोर को, ठीक है, और 1913 मसीह में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। अच्छा, और एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा, ये जो आप लोगों को हो सकता है मन में कोई डाउट होगा, जैसे ये नोबेल प्राइज जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्या करने से नोबेल प्राइज जो है मिलता है। ये जो नोबेल प्राइज प्योरली जो हमारा जो फिजिक्स जो होता है फिजिक्स क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में, केमिस्ट्री जो रसायन क्षेत्र में, ठीक है, केमिस्ट्री जो होता है केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन किस में दिया जाता है, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के लिए भी दी जाती है, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के लिए दी जाती है। और उसके बाद लिटरेचर जो नोबेल वगैरह लिखते हैं, जो लिटरेचर है वो उसके लिए भी दी जाती है, कौन सी है, लिटरेचर के लिए भी दी जाती है। और फोर्थ वन पीस के लिए भी दी जाती है, शांति के लिए, मतलब पीस कीपिंग के लिए पीस के लिए भी दी जाती है। तो ये जो पांच चीज़ें हैं, पांच चीज़ के लिए नोबेल प्राइज दी जाती है, ठीक है। तो अभी नोबेल प्राइज के ऊपर सबसे पहले यूएन को कब दिया गया था, 2001, ठीक है। ये नोबेल प्राइज सबसे पहले कौन सी मसीह में दिया था, ना वो है 1901 में दिया गया था, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो एशिया, अगर इंडिया के पूछा जाएगा ना, एशिया महादेश में सबसे पहला नोबेल प्राइज विनर विजेता कौन है, वो है आर एन
टैगोर है जो गीतांजलि के लिए, जो नोबेल लिखे थे गीतांजलि, उसके लिए उनको मिला था, ठीक है, उनको 1913 में से मिला था, ठीक है। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ बच्चे, ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ बच्चे थोड़ी सी गलतियाँ कर देते हैं, क्योंकि इसमें नाम्स कुछ ऐसे दिए हुए हैं, क्वेश्चन को देख सकते हैं। इन हुइच स्टेट, कौन सी स्टेट में उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड, इसमें पूछा गया है उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, इसमें पूछा गया है उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, ठीक है, कौन से राज्य में है। तो जैसे ये उदयपुर का नाम सुनते हैं बच्चे क्या लिखते थे, उदयपुर जो है एक बहुत बड़ा सिटी राजस्थान में है, उदयपुर जो है एक बड़ा सिटी है जो राजस्थान में, इसलिए बच्चे क्या करते थे सीधा राजस्थान को टिक कर देते हैं, ठीक है, ये राजस्थान को टिक करते हैं, बट ये राजस्थान इसका राइट आंसर नहीं है, राजस्थान जो है गलत आंसर है, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान रखना है इसका जो राइट आंसर है, जो ये जो उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये बिहार में है, कहाँ पे है, बिहार में, ठीक है। ये बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको वेस्ट चंपारण क्या बोलते हैं, बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, वेस्ट चंपारण, चंपारण, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें जहाँ पे ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वेस्ट चंप जो चंपारण है, जो कि बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो इसमें भी आपको क्वेश्चन होगा वाइल्ड लाइफ जो उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी स्टेट में जो है स्थित है, वो होगा बिहार, अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो वेस्ट चंपारण आप लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक सॉलिड क्वेश्चन भी है। इसमें पूछा गया है इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स, इसमें दिया गया ऑप्शन में आपको चार स्टेट दिए गए हैं, इन चार तमाम जो चार, ये जो चार स्टेटों में से कौन सी राज्यों का ऑफिशियली लैंग्वेज, जो राजभाषा बोलते हैं जिसको, जो है आपका ऑफिशियली लैंग्वेज जो इंग्लिश है। इसमें देखिए नागालैंड, त्रिपुरा, आसाम एंड मणिपुर दिया है, इसका जो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन ए है, नागालैंड। नागालैंड का जो आपका जो ऑफिशियल जो लैंग्वेज है, जो राजभाषा है, ऑफिशियली जो लैंग्वेज को गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है वो है इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश उनका जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो देखिए ये अगर नागालैंड में है, इसके ऊपर और भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते आपको पूछा जा सकते हैं, उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। जैसे हमारा भारत में कितने ऐसे राज्यों हैं जिनमें इंग्लिश, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसका ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसमें पूछा क्या जाएगा हमारा भारत में कितने ऐसे राज्यों हैं जिन राज्यों में इंग्लिश जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो उसका आंसर होगा चार। उसका आंसर क्या होगा, चार राज्यों, भारत में ऐसे चार राज्यों हैं जिसमें और जिसका ऑफिस जिनों का ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इंग्लिश है, ठीक है। फिर अगर पूछा जाता है ऐसे कौन सा भारत में राज्य है जिसके अंदर जिसमें जो इंग्लिश जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसका मैं बताता हूँ, उसका है सबसे पहला अरुणाचल प्रदेश, कौन सी है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, सबसे पहला कौन है, अरुणाचल प्रदेश है, ये तो एक तो नागालैंड है, दूसरा कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है, तीसरा में कौन सा आएगा, देखो तीसरा जो होता है मेघालय, तीसरा कौन सा होता है, मेघालय, मेघालय जो है उसका उसका लैंग्वेज भी ऑफिशियल लैंग्वेज भी इंग्लिश है, और चौथा में कौन सी आता है, सिक्किम, कौन सी है, सिक्किम, जो सिक्किम का ऑफिशियल लैंग्वेज भी, इसका ऑफिशियल लैंग्वेज भी इंग्लिश में है। तो वह एक हो गया नागालैंड, दूसरा हो गया अरुणाचल प्रदेश, तीसरा हो गया मेघालय, चौथा हो गया आपका सिक्किम। ये जो चार राज्य हैं, चार राज्य में जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो है इंग्लिश। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके साथ यहीं पर जो हमारा टॉपिक यहीं पर क्या होता है, ख़त्म होता है, यहीं पर हमारा टॉपिक जो है ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो आखिर में मैं तमाम जो हमारा युवा है हमारे देश के, जो डिफेंस या पैरामिलिट्री सेक्टर में भर्ती होना चाहते हैं, जो सपना देखते हैं भर्ती होने की या तैयारी कर रहे हैं, उन तमाम जो युवा या जो जितने भी लड़कियां हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वो सबसे मेरा जो है निवेदन है, जो भी अगर आप लोगों को जो वीडियो अगर अच्छा लगता है, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा सा जो एग्ज़ाम से पहले थोड़ी बहुत तैयारी कर लीजिए, उसके बाद आपको ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। तो इसके साथ मैं मेरा वीडियो कहीं पे ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।